दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे स्विजन अकेडमी पर। तो अब चलिए आज हम देखेंगे प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन भर्ती परीक्षा जल्द ही होने वाला है, आप सभी जानते हैं। उसके लिए ये जो प्रयोगशाला तकनीशियन या आपके जो सहायक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और ये पार्ट टू है। पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा का प्ले लिस्ट मैं बना रही हूँ, वहाँ जाकर के वीडियो में ज़रूर आप देख लें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर अभी करने वाले हैं ये सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और सीजी व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा जो हुआ था विज्ञान प्रयोगशाला का, तो उस जो है प्रयोगशाला परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए जल्दी शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और जीके जीएस और मैथ्स भी आप हमारे चैनल के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप महिला पर्यवेक्षक में भी मैथ्स देख सकते हैं और मैथ्स का अलग से प्लेलिस्ट बने हैं। सीजीपीएससी में भी आपको मिलेंगे, छात्रा अधीक्षक में सबसे ज़्यादा मैथ्स देखने को मिलेगा और महिला पर्यवेक्षक में, तो वहाँ जाकर के आप जरूर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 77 क्वेश्चन पार्ट वन में हमने कर लिया है, अब उसके बाद जो बचा था 77 के बाद सीधा 85 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन 85 नंबर का, पार्ट टू का ये पहला क्वेश्चन होगा। क्रम 77 तक हमने कर लिया है। देखिए निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र कृत्रिम प्रकार का है? अब देखिए केवल आंसर देखेंगे, डिटेल यहाँ नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ये क्या है, घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा, वन का पारिस्थितिक तंत्र नहीं, ये जो है धान के खेत का पारिस्थितिक तंत्र जो है क्या है, कृत्रिम प्रकार का है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा उगाया जाता है। तो 85 का क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर है। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, काला अजार किसके कारण होता है? तो देखिए काला अजार जो होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण नहीं, ये जो है लिस्मानिया डिनोवानी के कारण होता है। तो 86 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आर्निथिक चक्र का अंतिम उत्पाद है? अब देखिए अमोनिया नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, यहाँ पर क्या है, यूरिया है। तो 87 का सी सही आंसर होगा। आर्निथिक जो चक्र है उसका अंतिम उत्पाद यूरिया है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है। तो देखिए शरीर की आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, थाइमस नहीं है, टेस्टिस नहीं है, एड्रिनल है। क्या है, एड्रिनल को आपातकालीन ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल। तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन दिया है और कारण दिया है, उसके हिसाब से कूट में आंसर लेना है। कथन है कि आप पढ़ लेते हैं, कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं, कारण है सतही क्षेत्र एवं आयतन के अनुपात को न्यूनतम करने के लिए। तो देखिए कथन और कारण वाला जो क्वेश्चन होता है उसे बड़ा अच्छे से हमें लेना है। यहाँ पे देखिए ए तो सही है किंतु कारण जो दिया है ये गलत है, तो ए सही है और आर गलत है। 89 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था सीजी व्यापम के द्वारा, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से किसका उपयोग स्थाई माउंट करने के लिए किया जाता है? तो देखिए 90 का अल्कोहल का नहीं, ग्लिसरीन का नहीं, DPX का उपयोग किया जाता है स्थाई माउंट करने के लिए। स्थाई माउंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, DPX। 90 का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में गॉल ब्लैडर स्थित होता है, गॉल ब्लैडर जो है ये कहाँ स्थित होता है? तो ये यकृत के बाएं लोब में नहीं, कॉर्डेट लोब में नहीं, यकृत के दाएं लोब में। तो ये सही है, 91 का सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो गॉल ब्लेस्टर स्थित होता है ये कहाँ होता है, यकृत के दाएं लोब में होता है। तो 91 का सी जो है करेक्ट आंसर। 92 का देख लेते हैं, मनुष्य के लिए यहाँ देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिका की संक्रामक अवस्था है, 92 नंबर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये पहला जो है देखिए न्यूक्लियस सिस्ट ये नहीं है, बायोन्यूक्लिएट सिस्ट ये भी नहीं है, ये देखिए क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। तो सी जो है करेक्ट आंसर है 92 का। अब चलिए देखते हैं 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मोटी भित्ति वाली पादप कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए निम्न में से किस रंग से रंगा जाता है? तो देखिए 93 नंबर का क्वेश्चन ये जो है सेफ्रेनिन, किससे, सेफ्रेनिन, 93 का ए। 94 का देखते हैं, प्रयोगशाला में 10 से 15 गुना आवर्धन हेतु निम्न में से किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं 94 का आपका क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी नहीं होगा,
विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। 94 का बी करेक्ट आंसर है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होती है। अब देखिए पौधों से प्रारंभ होती है कह रहे हैं, कौन सी है, तो ये जो है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 95 का ए। 96 का, जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे कहते हैं, तो देखिए जब हृदय की धड़कन कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। तो 96 का ए करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, नागफनी निम्न में से किस प्रकार के आवास के प्रति अनुकूलन प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये जो है स्वच्छ जलीय आवास नहीं, लवणीय आवास ये भी नहीं, जलवास, मरुभूमि आवास, तो आप सभी जानते हैं जो मरुस्थली भूमि है वहाँ पाया जाता है नागफनी। तो ये इसका सीधा सीधा सिंपल आंसर हो जाएगा 97 का सी, मरुभूमि। 98 है, हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है। तो देखिए हिपेरिन उत्पन्न किया जाता है, 98 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर चलिए देखते हैं, किडनी सेल्स द्वारा नहीं, रक्त कोशिकाओं द्वारा नहीं, बोन मैरो द्वारा, यकृत कोशिकाओं द्वारा की जाती है। देखिए हिपेरिन उत्पन्न किसके द्वारा की जाती है, यकृत कोशिकाओं द्वारा। तो 98 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी करता है। तो देखिए 99 नंबर का क्वेश्चन, ये जो है 4 करता है, कितना करता है, 4। तो 99 का ए करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पादप उत्तक पतली भित्ति वाला होता है। तो देखिए ये इसका आंसर क्या होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखिए स्थूल कोण उत्तक नहीं होगा, ये है मृदु उत्तक होता है। क्या, मृदु उत्तक। तो 100 का बी करेक्ट आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं, अब ये है सेकेंड पार्ट आपका, सेकेंड जो पार्ट है ये जनरल इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश पार्ट है ये, इसलिए इसको हम अभी स्किप करते हैं, क्योंकि हमें साइंस का देखना है, प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन का है, इसके हम स्किप करते हैं। अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप ज़रूर बताएं, आपको जो है इसके संबंध में अलग से ये वीडियो, ये जो क्वेश्चन पेपर है अलग से वीडियो के माध्यम से हम कर लेंगे। चलिए तृतीय भाग जो है ये क्या है, सामान्य हिंदी का है। तो यहाँ पे 116 नंबर से ये हिंदी का क्वेश्चन लगभग है आपका, यहाँ तक देखिए 130 नंबर तक का क्वेश्चन है, फिर कंप्यूटर से संबंधित जानकारी भी है। तो चलिए अगर हिंदी का है तो कर लेते हैं, क्योंकि अन्य एग्जाम वाले भी हैं, अगर आपके सिलेबस में प्रयोगशाला तकनीशियन में होगा तो आपके लिए बहुत काम आएगा, ज़रूर देखें। सही वाक्य का चयन करें, 116 नंबर। तो देखिए 116 नंबर में आपकी सौजन्यता सबको प्रभावित करती है, नहीं होगा, सबको प्रभावित करती है आपकी सौजन्यता, आपका सौजन्य सबको प्रभावित करता है, बिल्कुल सही। तो 116 का सी करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से वाक्य में त्रुटि शुद्धियाँ ये पूछा जाता है, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये काम आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रयोगशाला देने के बाद आप छात्रावास अधीक्षक भरे ही होंगे, हॉस्टल वार्डन का या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके में, उस सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा हिंदी, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो इसलिए इसे हम कर लेते हैं ज़रूर। निम्न में अंबर का पर्याय नहीं है। अब देखिए 117 नंबर का क्वेश्चन, तो द्वौ, अभ्र, अनंत, ये सभी जो हैं अंबर के पर्याय हैं, लेकिन अंबक जो है अंबर के पर्याय नहीं है। तो 117 का डी करेक्ट आंसर हो गया। 118 का देखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत करता है, तो अधजल गगरी छलकत जाए, अब देखिए इसका क्या है, तो इसका है डिंग हाँकना, बी करेक्ट आंसर है। 119 नंबर का देख लेते हैं, किंतु कलाधर ने डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर, किस अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए ये है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार का, 119 का। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अभि उपसर्ग किस भाषा का है। अभि उपसर्ग, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो ये संस्कृत भाषा का है, किसका है, संस्कृत भाषा, बी करेक्ट आंसर होगा। 121 का देखते हैं, सहस्त्रानन किस समास का उदाहरण है। तो देखिए 121 का, ये समानाधिकरण बहुव्रीही, तो डी करेक्ट आंसर हो गया किसका। 122 का देखते हैं, 122 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वह आया हो यह वाक्य किस काल को बताता है। तो देखिए 122 ये जो है संभाव्य वर्तमान को बताता है। अगला है आपका, वह चुपके से उठा और झट से चला गया, इस वाक्य में सही क्रिया विशेषण होगा। तो देखिए इसमें सही क्रिया विशेषण क्या है, तो ये मूल क्रिया विशेषण नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, अनुबद्ध भी नहीं है, यौगिक क्रिया विशेषण है। 123 का डी करेक्ट आंसर है। 124वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं,
जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए 124 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके लिए क्या है, स्थानापन्न। क्या है? स्थानापन्न। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 125 नंबर का क्वेश्चन, तो देखिए चलिए देखते हैं 125 नंबर में क्या है। विराट, तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाले, ये तो अशुद्ध है, विराट ये शुद्ध लिखा हुआ है, बी करेक्ट, बी आंसर हो जाएगा आपका। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विकारी कृदंत कितने प्रकार के हैं। तो देखिए कितने प्रकार हैं विकारी कृदंत का, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 126 नंबर का क्वेश्चन, इसके चार प्रकार हैं। 126 का ए करेक्ट आंसर होगा। 127 का देखते हैं, नीरे मूर्ख को बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है। तो 127 का ये काठ का उल्लू से याद किया जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 128 का, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। तो 128 में देखते हैं, ये जो है हवा की कमी बेसिस है, किसे हवा की कमी बेसिस है। चलिए अगला देखते हैं, चुल्ली शब्द का मूल स्रोत बताइए। 129 नंबर का क्वेश्चन, तो ये संस्कृत है। क्या है ये? संस्कृत। 130 देखते हैं, उपर्युक्त शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए ये एक्चुअल में जो उपर्युक्त लिखा है ये एकदम सही है, शुद्ध है, और उपरोक्त जो लिखा होता है ये अशुद्ध होता है। तो उपरोक्त यूज ना करें आप, कहीं भी अगर पत्र भी लिखते हैं तो भी ये जरूर ध्यान रखें। और उपर्युक्त जो लिखा शब्द दिख रहा है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। तो 130 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ऊपरी धनुक्त नहीं होगा क्योंकि उपर्युक्त है, ऊपरी धनु उक्त होगा छोटी, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 130 का। अब चलिए 131 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बता दूं जो हॉस्टल वार्डन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे इस क्वेश्चन पेपर को जरूर करें। हालांकि प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए है लेकिन इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर का, और साथ ही साथ प्रयोगशाला तकनीशियन आपके जो जिसमें भी सिलेबस होगा आपका CGPSC और व्यापम का उन सब में काम आएगा। तो चलिए 131 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, सही बात है, चिकित्सा के क्षेत्र में, बैंकिंग, तीनों क्षेत्र में किया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हुआ है, जब हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन पेपर आपके हॉस्टल वार्डन का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और सहायक ग्रेड 3 में ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सहायक ग्रेड 3 एग्जाम जो हुआ है उसमें। चलिए आगे देखते हैं 132 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो देखिए ये जो दिया है उसमें से एक, तो ये तो इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल्स, इंक जेट प्रिंटर, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सहायक ग्रेड 3 में पूछा गया है। तो ये आप अगर हॉस्टल वार्डन का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा आप। चलिए निम्नलिखित में से कोई एक एंटीवायरस है, कौन सा है? ट्रोजन्स नहीं है, वार्मस नहीं है, क्विक हील, तो सी 133 का सी करेक्ट आंसर है। 134 का देखते हैं, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? अब देखिए ये तो बार बार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो देखिए ये कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, सी यहाँ पे 134 का सही होगा। 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 135 में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो क्रोम, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए केवल आंसर देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 135 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, क्रोम अभी देखा हमने। चलिए 136 देखते हैं, निम्न में से कोई एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कोई एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए ये स्कैनर आउटपुट नहीं है, बाकी ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। चलिए आगे देखते हैं, यूट्यूब का उपयोग खाली स्थान किया जाता है। तो यूट्यूब का उपयोग जो है क्या है, वीडियो साझा करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही, और वीडियो देखने के लिए भी किया जाता है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन दिया है, इसलिए आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीमीडिया दस्तावेजों में होता है। तो मल्टीमीडिया दस्तावेजों में क्या होता है? ऑडियो नहीं, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, और टेक्स्ट भी होता है, क्योंकि सभी दिया है, ध्यान रखेंगे। तो डी यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा, सभी दिया रहता है तो लगभग आंसर सभी में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस एमएस ऑफिस में साधारण गणितीय गणना किया जा सकता है? 139, तो ये जो है ए, यहाँ देखिए एमएस एक्सेल, तो 139 का बी करेक्ट आंसर होगा। 140 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कोई एक ईमेल सर्वर नहीं है, तो कौन सा नहीं है? चलिए यहाँ पे देखते हैं 140 नंबर का क्वेश्चन,
इसका आंसर क्या है? तो ये है आपका गूगल। कौन सा है? पांचवा भाग जो है आपका ये सामान्य ज्ञान का है, और सामान्य ज्ञान अगर आपके सिलेबस में होगा सहायक प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन का, तो आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होगा ये। देखिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था? तो देखिए शिक्षक भर्ती वाले तो जरूर देखे थे, तो 141 नंबर का क्वेश्चन ये 1905 में किए थे। निम्नलिखित में से रोजगार क्षेत्र में सबसे कम सहभागिता किसमें है? तो देखिए 142 नंबर का क्वेश्चन ये किसमें है? बैंकिंग एवं अचल संपत्ति, ए 142 का ये करेक्ट आंसर है। 143 का देखते हैं, कैश कमेटी क्या कार्य करती है? 143, तो ये महिलाओं के यौन उत्पीड़न के विरुद्ध कार्य करती है। चलिए अगला है 144 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो चलिए ताला का देवरानी जेठानी मंदिर, ये राज्य से संबंधित प्रश्न है। तो ये सरब पुरी वंश के द्वारा बनाया गया, ये निर्माता और उसके स्मारक को दिया है। पाली का शिव मंदिर, ये सोम वंश के द्वारा बनाया गया। राजीव का लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर, ये नल वंश द्वारा। और मड़वा कबीरधाम, ये फणिनाग वंश द्वारा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 144 का। 145 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी धरातल की सबसे ऊपरी मृदा परत क्या कहलाती है? तो देखिए 145 का सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी धरातल की सबसे ऊपरी मृदा परत क्या कहलाती है? 145 नंबर क्वेश्चन, ये जैविक परत कहलाती है। क्या कहलाती है? जैविक परत। 146 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सन 2002 में संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में क्या किया गया? स्वीकृति दिया गया। तो आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के रूप में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा आया। चलिए अगला 147 नंबर का क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितने प्रतिशत मौजूद हैं? तो देखिए कितने प्रतिशत? 78.09%। तो 147 का बी करेक्ट आंसर है। 148 का देखते हैं, 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति हेक्टेयर गेहूं की उत्पादकता कितने किलोग्राम थी? तो देखिए 2010-11 का पूछा गया है, तो 148 नंबर क्वेश्चन उस समय 2938 किलोग्राम, इसे आपको याद नहीं रखना है। अभी का करंट अफेयर आपको 2023-24 और 24-25 का याद रखना है। 149 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये विलोपित कर दिया गया था व्यापम के द्वारा। चलिए 150वां और अंतिम क्वेश्चन था, इस राज्य के कंडेर नहर सत्याग्रह का तत्कालिक कारण क्या था? तो नहर से पानी मिलना नहीं, नहर निर्माण की मांग नहीं, नहर से पानी लेने का जुर्माना, बिल्कुल सही। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आज पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, 150 क्वेश्चन हमने कर लिया। हॉस्टल वार्डन शिक्षक भर्ती या प्रयोगशाला तकनीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए साइंस में जितने भी बन सकते हैं, साइंस में मैं प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर लें, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं मैं, वहां जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सारे करंट अफेयर भी वहां आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुँचाएँ।